नमस्ते, मैं हूं विक्रम और मेरे गिनग्लूप्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहां पर आप जो देख रहे हैं इसका नाम है रिबन ग्रास। आज मैं इसकी केयर और प्रोपोग्रेशन के बारे में डिटेल्स में आपके साथ बात करूंगा। इसको घर में ग्रो करना बहुत आसान है। आप अपने घर में इसको ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रिबन ग्रास पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसकी साइंटिफिक नेम है फेलरिस अरंडिनेसिया। बहुत सारे लोग इसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, लेकिन ये ग्रास की ही वैरायटी है। रिबन घास का उपयोग सजावटी घास के रूप में किया जाता है। नर्सरी में ये प्लांट आपको 40 से 60 रुपीज के अंदर ही मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी प्रोपेगेशन के बारे में। रिबन ग्रास की प्रोपोग्रेशन करना बहुत आसान है। इसकी साइड से नए बल्ब्स निकलते हैं, उसी से आप इसकी प्रोपोग्रेट कर सकते हैं। नर्सरी से इसको खरीद कर ले आने के बाद आप इसको घर में 15 से 20 दिन तक रखें और उसके बाद ही आप इसकी प्रोपोग्रेट करें। जब भी आप कोई भी प्लांट या ग्रास को नर्सरी से खरीदे, तब प्लास्टिक ग्रो बैग के नीचे से रूट्स निकल कर बाहर आ जाए, उसी को देख कर ही आपको खरीदना है। अब आपको थोड़ा सावधानी के साथ इसको प्लास्टिक ग्रो बैग से निकालना है। जब भी आप कोई भी प्लांट की प्रोपेगेशन करें, उसकी 2 या 3 दिन पहले से ही आपको पानी नहीं देना है। यहाँ पर आप देखिए इसमें कितने सारे रूट्स हैं। अब इसको मदर सॉइल से अलग करना होगा। आप इसको ऐसे करके भी अलग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको प्लास्टिक ग्रो बैग से निकालने के बाद पानी के सहारे इसकी जो मादर सॉइल है उसको गीला करें और एक प्लांट से दूसरे प्लांट को अलग करें। जब आप इसको अलग करें तब इसकी जो बल्ब्स है वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी के साथ ये करना होगा। आप इसको 2 या 3 साल बाद जब रिपोर्टिंग करें, उसी समय आपको इसकी प्रोपेगेशन करना है। आप नवंबर से जनवरी तक इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप गार्डनिंग के लिए बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे लो मेंटेनेंस और लो कॉस्ट वाले प्लांट से आपकी गार्डनिंग की जर्नी शुरू करें। ऐसे करके आप एक साल के अंदर ही 10 ऐसे रिबन ग्रास तैयार कर सकते हैं। अब इसको ग्रो करने के लिए आपको पॉट सिलेक्शन करना होगा। इसको मैं इंडोर में ग्रो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे ड्रेनेज होल वाले कोई भी पॉट में आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं जो पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी ड्रेनेज होल बड़ा होने के कारण ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ड्रेनेज होल के ऊपर मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोकोपीट के बदले में सूखे हुए पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की सॉइल मीडिया में इसको ग्रो करें। इसको ग्रो करने के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। अब इसको पॉट की सेंटर में फिक्स्ड करना है। पॉट की सेंटर में इसको फिक्स्ड कर देने के बाद पॉट के ऊपर से आपको मिट्टी भर देना है। मिट्टी को पॉट के ऊपर से भर देने के बाद मिट्टी में एयर ना रह जाए, इसीलिए मिट्टी को हाथ से पुश करना है। ऐसा करने से प्लांट में रूट इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे करके मैं 1 से 4 रिबन ग्रास तैयार कर लिया है। अब मैं बात करूंगा इसकी केयर के बारे में। इसकी ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास समय बहुत कम है और घर की सजावट के लिए पौधे लगाना चाहते हैं, वो इसको बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप साल में एक बार पॉट के ऊपर से फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। इसकी फर्टिलाइजर के लिए आप काउडंग कंपोस्ट या भर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कोई भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको इंडोर में भी ग्रो कर सकते हैं और आपके गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं।
इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक करे तो आप 1 लीटर पानी के साथ 1 चम्मच नीम ऑयल ऐड करके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। एक ग्रास का वैरायटी है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा पानी डालना होगा। पॉट के ऊपर का जो मिट्टी है वो जब सूख जाए तब भी आपको पानी देना होगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको फायदे मिले। रिबन ग्रास के बारे में आप और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।